नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम भरत। दोस्तों, जब आप पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए प्राइवेट कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उसके पहले आपको आपका रिज्यूम देना पड़ता है और रिज्यूम में आपकी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह होता है। लेकिन एक प्रोफेशनल या अट्रैक्टिव रिज्यूम तभी कहलाएगा जब रिज्यूम में आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगाया हुआ हो। तो वो पासपोर्ट साइज फोटो कैसे आपका रिज्यूम में लगाए इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि रिज्यूम में आपका पासपोर्ट साइज फोटो कैसे लगाए। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके लैपटॉप में आपका रिज्यूम जो है वो आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है। इस तरह इंटरफेस होगा और यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे। तो इसमें से एक ऑप्शन है इंसर्ट करके, एक ऑप्शन है तो इसमें आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक करोगे तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। जहाँ भी आपका फ़ोटो है वहाँ ही वहीं से आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो पर आप डबल क्लिक करोगे तो फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं फ़ोटो पर डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ। उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ टैक्स रैपिंग के ऑप्शन जो है तो उसी पर चले जाना है आपको। ये फ़ोटो पर क्लिक करके भी आप टैक्स रैपिंग पे जा सकते हो। उसके बाद यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे तो इसमें जाएंगे बिहाइंड टैक्स, वही ऑप्शन आएगा और यहाँ आपको आसानी से आप क्लिक करके फ़ोटो जो है जहाँ भी आपको डालना है वहाँ आप डाल सकते हैं। छोटा या बड़ा फ़ोटो भी आप कर सकते हो यहाँ सेटिंग्स करके। उसके बाद यहाँ आप साइड में क्लिक कर दीजिए तो ये फ़ोटो जो है वो चिपक जाएगा, लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम सेव एज़ कर लेंगे, जहाँ भी आपको सेव करना है वहाँ सेव कर सकते हो और यहाँ कोई भी नाम आप लिख सकते हो। उसके बाद सेव कर लेंगे। तो इस तरह कोई भी आपका रिज्यूम में आसान तरीके से आपकी फ़ोटो जो है वो लगा सकते हो और ये आपका रिज्यूम भी फ़ोटो लगाने के बाद अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हर दिन लाता रहता हूँ।